सब्जी चला दिए। गुड मॉर्निंग, चलिए हम लोग फिर एक नए लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले दो लेक्चर से आप पार्ट सिक्स पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है अमूल्य उपहार। इसमें ये पार्ट लंबा है इसलिए दो लेक्चर हो चुका है और तीसरा लेक्चर ये शुरू होने जा रहा है, संभवतः इस लेक्चर में यह कम्प्लीट हो जाए। तो इसके पहले आपने पढ़ा कि माँ और बच्चे में तकरार हो रही है, माँ और बच्चे में बहस हो रही है। बच्चा कह रहा है कि सभी लोग जब गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं और हम ले सकते हैं, तो फिर उसका उपहार हम क्यों नहीं लें, क्यों उसे हम इनकार करें। और माँ खींच करके अपनी अपनी बातों को बंद कर रही है, चुप हो जा रही है। तभी कह रहा है कि तभी घसीटा राम तेज तेज कदमों से पिंटू के घर आता हुआ दिखाई देता है। माँ बच्चे की तकरार जैसे ही बंद होती है वैसे ही पिंटू देखता है कि कोई बालक जो घसीटा राम है वह तेज तेज यानी झटकते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। घसीटा राम उसके दरवाजे पर आकर के कहता है कि लो भाई पिंटू, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। पिंटू से कह रहा है घसीटा राम कि लो भाई, सभी लोग तुमको उपहार दिए हैं तो मैं भी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। पिंटू हाथ में एक छोटे से पौधे को देखते हुए यह क्या लाए हो, उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा देख रहा है जिसको हम थला भी कहते हैं। तो वह आम का एक छोटा सा थाला लेके आ रहा है और कह रहा है कि यह तुम्हारे लिए उपहार है। पिंटू कह रहे कि यह क्या लाए हो। घसीटा राम में वह छोटा सा आम का पौधा है, वह कह रहा है कि यह छोटा सा आम का पौधा है, तुम कुछ नहीं करोगे पिंटू भाई, मैं इसे तुम्हारे आंगन में लगाए देता हूँ। वह कह रहा है कि तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुमको तो पता नहीं होगा कि इसे कैसे लगाते हैं और इसका देखभाल कैसे करते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, मैं ही समय समय पर आकर के इसमें पानी वगैरह डाल दिया करूँगा और मैं ही इसे तुम्हारे आंगन में लगा देता हूँ, यह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। वह कह रहा है कि धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। पिंटू कैसे लगाओगे इसे, मेरे पास तो कुछ भी लगाने वाला नहीं है। घसीटा राम मैं खुरपी भी लाया हूँ, खुरपी कहते हैं जिससे घास उस निकाला जाता है। तो वह कह रहा है मिट्टी खोदने वाला एक औजार कहिए लोहे का, तो कह रहा है कि मैं खुरपी भी लाया हूँ पिंटू, कहीं तुम्हारे घर पर ना हो। घसीटा राम कह रहा है कि मैं जानता था कि कहीं तुम्हारे घर पर ना हो, इसीलिए मैं अपने साथ खुरपी भी लेकर के आया हूँ। बड़े घरों में बाजा होता है, खुरपी नहीं होती है। वह कह रहा है कि बड़े बड़े घरों में ढेर साज बाज का सामान तो हो सकता है लेकिन खुरपी नहीं होती, इसीलिए मैं इसे लेकर के आया हूँ। घसीटा राम पौधा लगाकर हाथ झाड़ता है और नल से पानी लेकर हाथ धोता है। वह क्या करता है, उस पौधे को ले जाता है, उसके आंगन में रोप देता है और हाथ झाड़ते हुए आकर के पानी से फिर हाथ को धोता है। पिंटू भीतर से मिठाई के डब्बा लाते हुए, लो घसीटा राम मिठाई खाओ। पिंटू जो है सो अपने घर से मिठाई के डब्बा लाता है और घसीटा राम को देते हुए कहता है कि लो मिठाई खाओ। घसीटा राम मिठाई का डब्बा लेते हुए, तुम इस पौधे की चिंता मत करना पिंटू भाई, मैं रोज या दूसरे दिन आकर के इसे पानी दे जाया करूँगा, तुम इसके लिए परेशान मत होना कि इसका देखभाल कैसे होगा, मैं समय समय पर आकर के इसमें पानी डाल दिया करूँगा, 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा देखना। वो कह रहा है कि 5 साल में यह एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। घसीटा राम चला जाता है, मम्मी पापा वहीं खड़े बतिया रहे हैं। घसीटा राम मिठाई का डब्बा लेकर के चला जाता है लेकिन मम्मी पापा उस उपहार के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। पापा अब उसके बोल रहे हैं, मन भी किस मूर्ख पर आया है अपने पिंटू बेटे का। पापा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का मन भी आया, मेरे बेटे को अच्छा भी लगा कोई, तो कैसे आदमी पर अच्छा लगा जो महा गरीब और अनपढ़ है। मम्मी कुछ नहीं जुड़ा तो आम का पौधा ही उखाड़ कर लाया है घर से। मम्मी टोन मार रही है, कमेंट कर रही है उस पर और कह रही है कि इसको कुछ नहीं जुड़ा, ये तो गरीब आदमी, इसको तो कुछ जुड़ा नहीं, तो क्या किया, हार पास के आम का पौधा ही उखाड़ कर अपने घर से लेके चला आया। पिंटू पर मम्मी घसीटा राम का उपहार सबसे बढ़िया है, देखिए बड़ों से ज़्यादा समझदारी के बाद यहाँ वह पिंटू कर रहा है, कह रहा है कि बाकी लोगों से ज़्यादा मूल्यवान उपहार तो यह आम का पौधा है, यह तो आप मानेंगे ना।
वह कह रहा है कि ये तो आप लोग भी मानेंगे कि बाकी लोगों के उपहार से ज्यादा कीमती ज्यादा मूल्यवान यह आम का पौधा है। मम्मी कह रही कैसे, वह कैसे, तुम इसे ज्यादा मूल्यवान कैसे मान रहे हो? इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, सो पीस सब लोग लाए हैं, वे बढ़िया नहीं हैं? मम्मी दिए गए उपहारों की तुलना उस पौधे से करती हैं और कहती हैं कि इतने अच्छे अच्छे तुम्हारे लिए लोग कपड़े लाए हैं, पेन लाए हैं, सो पीस लाए हैं, वे बढ़िया नहीं हैं? यह आम का पौधा बढ़िया है तुम्हारे लिए? माँ कह रही है कि इतने सारे सामान जो है उससे ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए आम का पौधा है। पिंटू, हाँ मम्मी, ये सब चीज़ें तो नष्ट हो जाएंगी। पिंटू देखिए कितने समझदार की तरह बात कर रहा है, कह रहा है कि हाँ मम्मी, ये सारे के सारे सामान समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। कपड़ा को अगर हम चार बार पहन ले तो वह पुराना हो जाएगा, पेन को लिख ले ख़त्म हो जाएगा, टूट फट जाएगा, खिलौनों को खेल ले वो भी टूट जाएगा, तो धीरे धीरे ये सारे उपहार जो है सो मूल्यहीन होते जाएंगे, ये समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। आज नहीं तो कल ये सारे के सारे जो है सो नष्ट हो जाएंगे, पर यह पौधा कभी समाप्त नहीं होगा। पौधों का, वृक्षों का उम्र काफी लंबा होता है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। बाकी उपहार इस्तेमाल के बाद घटते जाते हैं, वो नष्ट होते जाते हैं, लेकिन ये पौधा जो है सो समय के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी होगी, यह धीरे धीरे पौधा से वृक्ष बन जाएगा, उसके बाद उसमें फल लगने लगेगा और एक साल का प्रत्येक साल यह हमें मीठे मीठे फल खिलाएगा। कह रहा है कि पापा समाप्त नहीं होगा, ये कह रहा है कि यह पौधा तो कभी समाप्त नहीं होगा। तो पापा कह रहे हैं समाप्त नहीं होगा, और फिर प्रश्न सूचक चिन्ह वे सवाल करें, क्या यह पौधा समाप्त नहीं होगा? पिंटू, हाँ पापा, 5 वर्ष में यह पूरा वृक्ष बन जाएगा, फिर उस पर फल आएंगे मीठे मीठे। यह बच्चा जो है सो वृक्ष के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि पापा 5 साल में तो यह पौधा जो है, नन्हा सा जो पौधा है वह बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा और इसमें मीठे मीठे फल आने लगेंगे। घसीटा राम का उपहार तो जीवन भर चलेगा, जब तक आप रहेंगे, जब तक हम रहेंगे, जब तक यह वृक्ष रहेगा, हर साल हमें उपहार मिलता रहेगा। एक वृक्ष अगर हम लगा देते हैं तो उसे देखिए प्रकृति को, पर्यावरण की रक्षा होता है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, छाया मिलता है और प्रत्येक साल हम उसे फल भी खाते हैं। तो ये कह रहा है कि यह जब वृक्ष बन जाएगा तो यह 1 साल उपहार हमें नहीं देगा, यह प्रत्येक साल हमें मीठे मीठे फलों का उपहार देता रहेगा। यह हर नया अमूल्य उपहार, वो अपने पापा को समझा रहा है कि यह तो अमूल्य है, हर साल पता नहीं कितनों का आम हमें खिला देगा, हर साल हम इसका उपहार ग्रहण करेंगे। बाकी आदमी का उपहार तो 1 साल मिला, साल भर में टूट फट के फेंका जाएगा, लेकिन इसका उपहार जो है सो प्रत्येक साल हमें मीठे मीठे फलों से आनंदित करता रहेगा। पापा, अरे मूर्ख, कब दादा बनेगा, कब पोता बरतेगा? उसके पापा इसको कह रहे हैं कि यह कब बड़ा होगा और कब तुम्हें फल मिलेगा, तब तक तुम आज से ही इसके फल का इंतजार करने लगे। पिंटू, पोता नहीं पापा, मैं और आप ही बरतेंगे, आपका पोता नहीं खाएगा इसका फल, इसका फल आप भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगा। 5 साल बीते देर नहीं लगता, 5 साल में यह वृक्ष बन जाएगा और हमें मीठे मीठे फलों को देने लगेगा। इस पेड़ के फल मैं और आप भी खाएंगे। पिंटू पौधे पर पानी छिड़कता है, पिंटू जो है सो उस फल, उस पौधा से काफ़ी संतुष्ट है, काफ़ी आनंदित है, काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि वह उसके महत्व को जान गया है और उस पेड़ के पौधे पर पानी छिड़कते हुए यह नाटक समाप्त होता है, पर्दा गिर जाता है। चलिए, ये पाठ तो आप लोगों ने पढ़ा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझे भी होंगे। इसके लेखक हैं, इस नाटक के लेखक हैं डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। इस नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। तो इस प्रकार से ये अमूल्य उपहार समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, तब तक यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन हिंदी के साथ नहीं है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ उर्दू के हैं, कुछ अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है।